हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और आज हम लोग सॉइल के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड वेलकम यू ऑल फ्रॉम द गेट एकेडमी साइड एंड आरआरबीजे 2024 गतिशील एक्सप्रेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 777 हमारे CBT 1 CBT 2 बहुत बढ़िया कोर्स है ना। मैंने खुद इसका आकलन किया है और मैं बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो सम स्पार्क्स एक्सपीरियंस फ्रॉम माई एग्जाम्स दैट दीज आर द थिंग्स दैट कम इन एग्जाम्स। एंड आपको ये कोर्स लेना चाहिए और बिना टाइम पास के तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो 7900 पोस्ट है, 29 अगस्त लास्ट डेट है, सो कीप इन माइंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना तो आप पेपर तो कुछ संभव ही नहीं है, इसके बिना आप एग्जाम में निकल जाओ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स का बेसिक के साथ, के बेसिक बेसिक इसमें क्या आता है एंड उसके बाद हम लोग बाकी उसमें बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, है ना, सॉइल का पूरा पेटोजेनेसिस या फिर पेट्रोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, कि सॉइल एंड टाइप्स, है ना। सॉइल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे एजेंसी के सॉइल होते हैं, कि जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, है ना, हमारे पास इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज होता है रेसिडुअल सॉयल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है JEE में तो बहुत ज्यादा। सॉयल को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा माइन्यूट रखूंगा, इसमें एक एक डिटेलिंग्स पे मैं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को सॉयल आसान लगती है, कई लोगों को सॉयल बहुत हार्ड लगती है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तो नहीं ही समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यस यू हैव टू टेक इट ऑन बिकॉज 12-13 नंबर का सब्जेक्ट होता है हर जगह ये, मतलब 12-13 क्वेश्चंस या फिर कहीं कहीं 12-13 नंबर गेट में, तो 12-13, तो ये सब सारा चीज है ना, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है, ठीक है। तो अब इसमें जो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के ऊपर ही बहुत सारा है कि एलोवियल डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। एलोवियल डिपॉजिट हो गया आपका, लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट हो गया, मरीन डिपॉजिट हो गया, राइट, एवोलियन डिपॉजिट हो गया। सबके सॉइल के प्रकार आपको पता होना चाहिए, एवोलियन डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियल डिपॉजिट हो गया, ग्रेविटी डिपॉजिट हो गया, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों को आपको करके रखना है ना। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए, कि कौन कौन से सॉइल हो गए, जैसे कि हमारे पास टफ हो गया, मक हो गया, है ना, और हमारे पास बेंटोनाइट सॉइल हो गया, हमारे पास डेजर्ट सॉइल हो गया। तो ये सब सारी चीजें आपको कवर करके रखनी है, बिना इसके तो आप सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, तो इसको आप लोग अकाउंट करोगे, न्यूमेरिकल को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है आपका, जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैं लिखे देता हूं, बिकॉज कहीं कहीं होता है कि आप लोग भूल जाते हो,
वाटर कंटेंट पे आता है, वाटर कंटेंट, दूसरा पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, तीसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड, इसी में एक होता है परसेंटेज एयर वॉइड, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको आना चाहिए, है ना। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, रिलेटिव और डेंसिटी इंडेक्स इसको कहते हैं आईडी, है ना। रिलेटिव कंपैक्शन हो गया, रिलेटिव कंपैक्शन हो गया, है ना। तो ये सब सारी चीजें। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो अलग ही कहानी चलती है सॉलिड मैकेनिक्स में थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोग को आपको पिकनोमीटर मेथड से कैलकुलेट करना होता है, पिकनोमीटर मेथड है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू ठीक है। तो वो सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू टू का अलग नोटेशन होता है एंड डब्ल्यू वन का अलग नोटेशन है, डब्ल्यू थ्री का अलग नोटेशन है, डब्ल्यू फोर का अलग नोटेशन है, बेज अंदर, है ना। और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिकनोमीटर। ओके, तो ये सारा चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन यहाँ से बहुत आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग करके रखोगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन, है ना। वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन भी बहुत बड़ी कहानी चलती है कि वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करना है, क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें सबसे अच्छा तो ओवर ड्राइंग मेथड होता है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है। तो ये सारा वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन होता है, इसमें सबसे एक्यूरेट ये वाला होता है ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। पिकनोमीटर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी कैलकुलेट करते हैं और के लिए भी यूज करते हैं एंड वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
वाटर बैलून मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं। सैंड डिप्लेशन मेथड भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास देखिए वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन में इतने सारे मेथड है, डिटरमिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट में भी इतने सारे मेथड्स है ना। तो ये सारा चीज आप लोग को करके रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉइल के टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के अंदर जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज एनालिसिस हो गया, या फिर ग्रेन साइज एनालिसिस हो गया, एक ये भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारा चीज आपको करके रखना है, बिकॉज इसमें जो ग्राफ बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ऐसे जा रहा है लॉगरिथमिक ग्राफ होता है, तो ऐसे जा रहा है तो क्या वैल्यू है, ऐसे जा रहा है तो क्या वैल्यू है, अगर ऐसे भी जा रहा है तो इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारा चीज आप लोग को पार्टिकल साइज एनालिसिस में पता करना होगा, है ना। और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेप्स करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल में अलग क्या मेथड यूज करते हैं, और फाइन ग्रेन सॉइल में भी क्या यूज करते हैं। जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेट मेथड का यूज करते हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है, सेडिमेंटेशन मेथड। तो इसको आपके अकाउंट करके रखना है। जस्ट एन ओवरव्यू आपको मिल रहा है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जहां से सवाल बनते हैं, है ना। तो ये सारा चीज है। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमारे पास कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है हम लोग क्या क्या देखेंगे, लिक्विडिटी इंडेक्स देखेंगे, है ना। वो जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया आपका, तो इसमें हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, कैसे ग्राइंडेड टूल का क्या फंक्शन है भाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे ग्राइंडेड टूल, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट सब निकालते हैं ना। है ना, तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग बिना इग्नोर किए तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारा टूल आपको याद करके रखना है, राइट। श्रिंकेज इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा यहां से डायरेक्ट।
ठीक है ना। तो इसको आपको कैलकुलेट करके रखना है कि कैसे क्या करना है। इसमें एक और बहुत बड़ा टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम होता है श्रिंकेज रेशियो। क्या होता है भाई? और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा जाता है। प्लास्टिसिटी इन वेरियस टाइप काइंड ऑफ इंडेक्स हो गया। अच्छा, प्रीवियस में हमने एक और चीज मिस कर दी जिसमें कि ये पूछा जाता है कि टफनेस इंडेक्स क्या होता है, राइट? है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है आपका, श्रिंकेज इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, और टफनेस इंडेक्स तो होता ही होता है। ठीक है ना। तो और इसके साथ एक बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है कि थिक्सोट्रॉपी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बार बार पूछा जाता है। थिक्सोट्रॉपी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, है ना, और एक्टिविटी हो गई, तो ये सारा चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब करके रखना है ना। और आगे जब बढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास दो तरह के फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल होते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल पे हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, मतलब दो चीजों से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है देख के कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, है ना। तो फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल भी एक टॉपिक होगा इसमें। और इसमें एक होगा कि सॉइल क्वालिफिकेशन ऑन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स और भी कई सारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जैसे कि आपके पास यूएस है ना, आस्थो हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये सारा आपको करके रखना है। अभी हम डिटेल पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सारा क्लासिफिकेशन आपको करके रखना है, राइट। अब हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर पे आएंगे। कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, है ना, और स्ट्रक्चर के फॉर्म्स के बाद क्या क्या बनता है, वेरियस क्ले मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि, और इसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ टू, दो तरह का फंडामेंटल क्रिस्टल होता है इसमें, है ना। ठीक है, और मिनरल्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कि आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि
सबके क्या क्या टाइप्स हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, राइट, है ना। और सॉइल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसा है सॉइल, ठीक है। इसमें देखेंगे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है क्या, हनीकॉम स्ट्रक्चर है क्या, हनीकॉम, सबका अपना एक डेफिनेशन है, तो आपको हर चीज से गुजरना है, राइट। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको बेसिकली अभी तक मैंने डिस्कस किया है कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या है, पार्टिकल साइज एनालिसिस डिटरमिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेव वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन, तो ये सारा चीज आप लोग को करके रखना है, राइट। ठीक है ना, तो अब हम लोग परमिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परमिबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप लोग अकाउंट करें, है ना। तो आपको इसमें पढ़ना है कि डिस्चार्ज लॉ थ्रू फुल डार्सी लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीपेज वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, कोफिशियंट ऑफ परकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, कोजने कार्मन इक्वेशन जो होता है, राइट। कोजने कार्मन इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूं, अगर आपको याद हो तो 1/c ((1/s²)) / (e³/1+e)/ γw/μ (d²)। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है बट ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी, इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना पड़ेगा, और हॉरिजेंटल फ्लो में क्या होगा, हॉरिजेंटल फ्लो है, वर्टिकल फ्लो है, किस किस तरीके का फ्लो है, तो वो आपको अकाउंट करके रखना पड़ेगा। है ना, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो आई थिंक दैट ये थोड़ा सा आज के सेशन के लिए इतना सही रहेगा। इसमें हम लोग आइए देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें अगर छूट रही होंगी तो वो हम लोग इसमें डालेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है वो आपको लिखने करना पड़ेगा, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जैसे हो गया कि मार्ल हो गया आपका, यूनिक यूनिक सॉइल पूछ लेता है कहीं, मार्ल हो गया, तो ये बेसिक बेसिक पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आपको सबको करके रखना है, ठीक है। एंड आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, एंड सब कुछ तो ठीक ही है। तो ये आपका सॉइल मॉइस्चर सॉइल वाटर रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। इसमें पिक्नोमीटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्नोमीटर। एंड इसके बाद वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट। और तो हमने ये सब मेथड डिस्कस किए, एंड पार्टिकल साइज एनालिसिस, ग्रेन साइज एनालिसिस भी किया हमने कि क्या क्या मेथड इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। एंड कंसिस्टेंसी लिमिट हो गया, कैसे ग्राइंडेड टूल को कैसे किसमें क्या ये पढ़ना है कि कैसे ग्राइंडेड टूल को कैसे चलाते हैं, है ना। कितना नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं, कितना नंबर ऑफ ये देते हैं, लिक्विडिटी लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और सॉलिड लिमिट, ये सब सारा चीज पता होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, श्रिंकेज इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है ना। और आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। थिक्सोट्रॉपी सेंसिटिविटी एक्टिविटी आसान है, टेबल बनता है यहाँ से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग फील्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिजिकल होगा चाहे उसको महे सूं के देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, ये सब सारी चीजें हैं। और स्टैंडर्ड में हमारे पास यूनाइटेड स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आस्थो अमेरिका वाला है, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो ये सारे सिस्टम है। सॉइल स्ट्रक्चर एंड मिनरल्स के बारे में, टू फंडामेंटल क्रिस्टल शीट्स होते हैं, राइट। टू फंडामेंटल क्रिस्टल शीट होते हैं, जो टेट्राहेड्रॉन शीट होता है और एक ऑक्टाहेड्रॉन शीट होता है। और इसमें एक आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन होता है। वेरियस क्ले मिनरल्स होते हैं हमारे पास, काओलिनाइट, मॉन्टमोरिनाइट और इलाइट, ओके। सॉइल स्ट्रक्चर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारा चीज है। परमिलिटी ऑफ सीपेज या परमिलिटी एंड सीपेज ऑफ सॉइल, है ना। तो K इज इक्वल टू 1/C इंटू 1/S² इंटू EQ बाई 1+C इंटू γW/μ इंटू D². तो ये सारा चीज हम लोग करके रखते हैं। सीपेज वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, डार्सी लॉ पता होना चाहिए, और वेरियस सॉइल में कितना परमिलिटी का रेट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड चलिए इसी के साथ आज का ये सॉइल का पहला पार्ट खत्म करते हैं, है ना। एंड अभी आगे के सेशन में हम लोग आएंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।